हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये रैप स्कर्ट बताने जा रही हूँ। इसे हम फ्रिल स्कर्ट भी बोल सकते हैं और ये हाई लो पैटर्न में तैयार होगी। ये सिलने में जितनी इजी है उतनी स्टाइलिश भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। तो आइए हम शुरू करते हैं इसका वीडियो। तो यहाँ देखिए, ये कॉटन फैब्रिक लिया है मैंने और ये 3 मीटर है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो हम इसमें कोई लाइनिंग यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो है 25 इंच और इसकी जो कमर है वेस्ट वो हमने 28 इंच ली है। लेकिन हम इसे ओवरलैप करेंगे तो मैं यहाँ पर जो कमर है वो 1.5 गुनी लूँगी, यानी हम इसे लेंगे 42 इंच का। और मैं इसे तैयार करूँगी हाई लो पैटर्न में। यहाँ मैं जो हाई लेंथ ले रही हूँ वो 20 ले रही हूँ, क्योंकि हम इसमें 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे तो ये 25 इंच हो जाएगी टोटल लेंथ। और लो लेंथ जो है वो ली है 9 इंच। और यहाँ पर लेंथ आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको कमर का बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरी कमर जैसे 28 इंच है, ये एक पूरा राउंड है। तो अब हम इसे ओवरलैप करेंगे तो इंची टेप को मैंने एक बार और फोल्ड किया है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से आपको अपनी कमर का नाप लेना है। और यहाँ पर मेरी जो वेस्ट है वो आई है 42 इंच। मैं आपको यहाँ पेपर पर बताऊंगी। मान लीजिए ये 3 मीटर कपड़ा है तो हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कमर है 42 इंच, उसे हम डिवाइड करेंगे 3.14 से तो हमारे पास आ जाएगा 13.5। तो 13.5 पर ही हम यहाँ कमर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पेपर को डबल फोल्ड करने के बाद हम इसे कॉर्नर से 13.5 दोनों साइड निशान लगाएंगे और उसे मैं इस तरह से मिला दूंगी। इसके बाद जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर आपको लेना है हाई लेंथ। यहाँ पर मेरा है 20 और जो ओपन साइड है वहाँ पर आपको इसकी लो लेंथ का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ 9 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम सबसे पहले तो जो 20 इंच आया है उसका एक पूरा कर्व बना लेंगे, जैसे कि हम हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट में बनाते हैं। और उसके बाद जो 9 इंच मैंने लगाया है वहाँ से आप इसे इस तरह से मिलाइए। और चूंकि इसमें हम फ्रिल लगाएंगे तो थोड़ा और हाई लो चाहिए हमको, तो इसे हम इस तरह से मिलाते हुए जो कमर है उसके 1 इंच नीचे तक पूरी हम इसमें गोलाई दे देंगे। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको शेप मिलेगी पेपर की। और जब हम इसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमें जो फ्रिल स्कर्ट बनानी है हाई लो पैटर्न में, सेम वही शेप हमें मिल गया है। तो इसी तरह से अब हम यहाँ पर कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ देखिए, मेरे पास फैब्रिक था 3 मीटर लेकिन मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए, जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हमको 13.5 का एक सर्कल बनाना है। मैंने 13.5 पर एक निशान लगाया है और सेम निशान हमने दूसरी साइड लगा लिया है। अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे। तो देखिए, इसे मैंने निशान को मिला दिया है। अब यहाँ फोल्डेड साइड से आपको हाई लेंथ का निशान लेना है। तो मैं दोनों साइड अभी 20-20 इंच का निशान ले लूँगी। और यहाँ देखिए, आपको यहाँ क्लियर दिख रहा होगा, मैंने पूरा हाफ सर्कल का निशान लगा लिया है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे कपड़े का जो अर्ज है वो सिर्फ 36 है, इसलिए यहाँ पर मेरी जो हाई लेंथ है वो सिर्फ 20 ही आई है। आपको अगर इसमें पीछे की लेंथ और ज़्यादा लेनी हो तो आप यहाँ पर बड़े पने का कपड़ा लीजिए, जिसकी 42 या 44 अर्ज हो कपड़े का, वो कपड़ा आप यहाँ पर यूज़ कीजिए। अब हम यहाँ पर हाई लो के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आप 9 इंच पर निशान लगाएं और वहाँ से इसे मिला दें। देखिए, 9 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम इसे जब कट करेंगे तो पूरा आपको कमर से 1 इंच नीचे तक आपको इसे कट करना है। और जब हम इस तरह से निशान लगाएंगे तभी हमारा जो हाई लो पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर आएगा। तो मैं यहाँ पर जो पूरा हमारा निशान था वो लगा लेती हूँ और अब हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये जो शेप आई है आप देख सकते हैं, बिल्कुल पेपर की जैसे आई है, जैसे हमने पेपर पर कट किया था।
अब इस शेप को जब हम ओवरलैप करेंगे तो आपको बिल्कुल जो स्कर्ट बनानी है उसका लुक आ जाएगा। अब स्कर्ट कट हो चुकी है, अब हम इसका बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए जो वेस्ट हमारी थी 42, तो यहाँ पर मैंने बेल्ट की लंबाई ली है 43 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 इंच ली है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये दो स्ट्रिप ली हैं। इस स्ट्रिप को हम इस बेल्ट में अटैच करेंगे, तो हमने यहाँ दो पतली स्ट्रिप भी काट ली हैं। तो यहाँ देखिए स्कर्ट और बेल्ट और उसकी पतली वाली स्ट्रिप भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी फ्रिल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इसका बॉटम देख लेते हैं। बॉटम में हम जो कपड़ा अंदर की साइड जाएगा ओवरलैप करने में, उसमें आधा मीटर तक हम इसमें फ्रिल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये बॉटम है इसमें हम कमर से आधा मीटर कपड़े तक निशान लगा लेते हैं, हम इस हिस्से में फ्रिल नहीं लगाएंगे। और इसके बाद हम इस पूरे बॉटम को मेज़र करेंगे। तो मेरा जो नाप आया है वो आया है 2.5 मीटर। तो हमें यहाँ पर फ्रिल तैयार करनी है 2.5 मीटर की। तो ये देखिए बचे हुए कपड़े को मैंने यहाँ 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर हम 6-6 इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसे सिंपल सीधी सीधी स्ट्रिप काट लेंगे। क्योंकि हमें फ्रिल तैयार करनी है 5 इंच की, तो मैंने यहाँ जो स्ट्रिप काटी है वो 6 इंच की काटी है। तो इस तरह से स्कर्ट के जो चारों पार्ट हैं वो कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे सिलाई करेंगे। मैं यहाँ पर बेल्ट रेडी करूँगी। तो बेल्ट के लिए जो पतली वाली स्ट्रिप है उसे इस तरह से हम आमने सामने फोल्ड करेंगे और एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पतली वाली जो स्ट्रिप है वो तैयार कर ली है। अब आपको इसे बेल्ट में अटैच करना है। तो देखिए बेल्ट को आप सीधी साइड इस तरह रखिए और स्ट्रिप को रखने के बाद हम स्ट्रिप तक ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको दोनों साइड इसे इसी तरह से सिलना है। इस तरह से हमने स्ट्रिप रखी, इसे फोल्ड किया और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर ये सिलाई लगा चुकी हूँ और अब इसे आप फोल्ड कीजिए। तो देखिए जो स्ट्रिप है वो बाहर की साइड निकल जाएगी। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमें सिलाई सिर्फ स्ट्रिप तक लगानी है, नीचे का हिस्सा हम अपनी स्कर्ट में अटैच करेंगे, तो उसे हमने ओपन रखा है। अब इस बेल्ट को मैं स्कर्ट में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टी साइड है, जो कपड़ा है वो उल्टा है। यहाँ से मैं इस बेल्ट को रख कर सिंपली एक सिलाई लगा देती हूँ। उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे आगे की साइड पर। तो यहाँ आपको सिंपली एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैं इसे सिल चुकी हूँ और अब आपको इसे फोल्ड करना है फ्रंट की साइड में। तो यहाँ मैं कई वीडियो में बेल्ट लगाना इस तरह से बता चुकी हूँ। हम नेफा तैयार करते हैं इसी तरह से। तो इसे आपको इस तरह फोल्ड करना है और इसका जो जोड़ है स्कर्ट का और बेल्ट का, उस जोड़ को छुपाते हुए आपको यहाँ ऊपर से फ्रंट की एक सिलाई लगानी है और पूरा बेल्ट हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैं पूरा बेल्ट सिल चुकी हूँ और जो स्ट्रिप है यहाँ वो बाहर की साइड आ चुकी हैं। इस तरह से जब हम बेल्ट लगाएंगे तो देखिए ये बाहर और अंदर दोनों साइड से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, इसमें कोई जोड़ भी दिखाई नहीं देता है। और यहाँ आप एक बात ध्यान रखिए कि जो बेल्ट हमने लगाया है वहाँ ऊपर की साइड कपड़े की जो पट्टी होती है वो बनी हुई है, इसलिए हमने वहाँ पर कुछ भी फोल्ड नहीं किया है। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए जो फ्रिल की स्ट्रिप हमने कट की थी उन सब स्ट्रिप को आप जोड़ लीजिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमें 2.5 मीटर की फ्रिल तैयार करनी थी, तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिप 3.5 मीटर की कट की हैं। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे और देखिए ये मैं सारी स्ट्रिप जोड़ चुकी हूँ। अब हम या तो इसके बॉटम में पीको करा लें या आप इसे बारीक बारीक फोल्ड कर लें। तो मैं यहाँ पर इसे अभी फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है स्टार्टिंग से लेके, और बॉटम और इसका पीछे का जो हिस्सा था वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो आप दो तरीके से इसकी फ्रिल तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से, या तो आप सुई से इस पूरी स्ट्रिप में धागे से बड़े टांके की बखिया कीजिए और उसके बाद जब हम इसे खींचेंगे तो हल्की हल्की चुन्नट आ जाएगी, उस तरह से हम फ्रिल तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से
या फिर आप बड़े टांके की सिलाई इस पूरी फ्रिल में लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़े टांके की सिलाई इस पूरी स्ट्रिप में लगा ली है और अब हम इसमें से एक धागे को खींचेंगे और दूसरे धागे पर हम इस पूरे फ्रिल को ऐसे सरकाते जाएंगे तो यहाँ हल्की हल्की चुन्नटें आती जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हम सरकाते सरकाते पूरा जो कपड़ा है हमारा उसमें चुन्नटें बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे इतनी चुन्नट रखी है इसमें कि हमारी जो फ्रिल है वो 2.5 मीटर के बराबर हो गई है। यहाँ पर हमने इसमें उतनी ही चुन्नटें लगाई हैं जितनी हमें फ्रिल चाहिए। तो अब हम इसे अपनी स्कर्ट में अटैच करेंगे। तो देखिए आप इसे ओवरलैप कीजिए। यहाँ मैंने लेफ्ट साइड को ऊपर रखा है और यहाँ से हम अपनी फ्रिल लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम उल्टी साइड से इसे अटैच करेंगे। इस तरह से आपको इसे रखते जाना है और ऊपर से आपको एक सिलाई लगाते जाना है, उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम इस फ्रिल को पूरे बॉटम में लगा लेते हैं और अंदर की साइड जैसा कि मैंने आपको बताया हमने तकरीबन 0.5 मीटर कपड़ा छोड़ रखा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको खाली छोड़ना है। तो देखिए मैं इस पूरी फ्रिल को लगा चुकी हूँ। सिंपली क्योंकि ये कर्व हो जाती है, फ्रिल है तो इसमें गोलाई भी आ जाती है, तो ये बहुत आसानी से लग जाएगी। इसके बाद जो हमने ये खाली कपड़ा छोड़ा है इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आपको एक फ्रंट की सिलाई लगानी है। और फ्रंट की सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो इसका जो जोड़ है, मार्जिन है, वो ऊपर की साइड रहना चाहिए। और आप चाहें तो यहाँ अंदर की साइड पहले आप फ्रिल और स्कर्ट का जो जोड़ है यहाँ पर आप इंटरलॉक कर लें, क्योंकि जब ये हाई लो पैटर्न बनता है तो इसमें पीछे की साइड का भी जोड़ दिखाई देता है। और इसमें हमें अब लास्ट में सिर्फ एक काज करना है। आप चाहें तो इसे मार्केट से कराएं, तो इसे हम इस तरह से ओवरलैप करेंगे और जो यहाँ पर निशान आएगा यहाँ मैं एक काज कर लेती हूँ जिससे हमारी स्ट्रिप इसमें अंदर से पास हो सके। तो हम ये सारे काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले इसे इंटरलॉक किया है और उसके बाद मैंने यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगाई है। जोड़ इसमें ऊपर की साइड रहना चाहिए जिससे ये फ्रिल नीचे की साइड फ्लो करती है। और जो ऊपर 0.5 मीटर कपड़ा छोड़ा था उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। और यहाँ देखिए बेल्ट में हमने एक काज कर लिया है। तो देखिए इसे हम इस तरह से पहनेंगे। जो अंदर की साइड हमने कपड़ा छोड़ा है उसे आप पहले फोल्ड कीजिए और उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड का कपड़ा फोल्ड करेंगे। और इसकी जो ये पतली वाली स्ट्रिप है इसे देखिए आपको कमर के पीछे से इस तरह से घुमाना है और जो काज बनाया था हमने उसमें से इसे आपको बाहर निकालना है। और उसके बाद जो बाहर की साइड बेल्ट है उन दोनों स्ट्रिप को आपको यहाँ नॉट करना है और इस तरह से ये स्कर्ट तैयार होगी और इसका ये लुक आएगा। तो इस तरह से ये रैप स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है। आप इसे साड़ी से भी बना सकते हैं, उसमें आपको इसमें लाइनिंग यूज करनी पड़ेगी। या आपके पास दो दुपट्टे एक जैसे हों उससे भी आप इसे बना सकते हैं और उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसमें फ्रिल भी दोनों तरीके से लगा सकते हैं, या आप ओरेवी फ्रिल काट कर लगाएं, या आप जो मैंने लगाई है सिंपल स्ट्रेट पट्टी से इस तरह भी तैयार करके लगा सकते हैं। तो आप इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।